हाँ कोई साइन ही क्या था पर तो बहुत छूट है। कितना छूटा? दो क्वेश्चन छूट गए। सबसे डिफिकल्ट तो सभी लगते हैं मुझे तो। ओके, डू यू थिंक दैट दिस पेपर इज द इजीएस्ट वन येट? या जो हमने टॉपिक्स बताए थे वीडियोस में उससे आए हैं? हाँ उससे आए थे। बिल्कुल 100 मिनिस्टर का था, उसमें कोर लिखा था तो मैंने पंजाब कर। सेम यूजर मैप्स और कार्टून्स में स्ट्रगल हुआ है? व्हिच वी हैड टू अरेंज इट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अदर देन दैट एवरीथिंग वाज फाइन। तो आप क्रोनोलॉजी समझ गए? या इट वाज देयर। दो क्वेश्चन ही मैच के थे। एक जो कार्टून वाला हुआ तो कार्टून वाले MCQs कैसे आए? बहुत बढ़िया MCQs से कुछ था ही नहीं। इंटरनल चॉइसेस इजी लगी? इंटरनल चॉइसेस में अगर कहना चाहूँ तो सेक्शन बी मेरे को देनी चाहिए थी क्योंकि वो थोड़ा लेंथी पेपर हो गया था। एमसीक्यूज एंड लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों बहुत इजी थे, बस मेरे को चार नंबर वाले में थोड़ी दिक्कत हुई। बट द इजीएस्ट पेपर सो फार अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट वाज द इजीएस्ट पेपर सो फार? नाउ स्केयर्ड ऑफ हिस्ट्री? आई डोंट हैव हिस्ट्री, दिस वाज माय लास्ट एग्जाम। लास्ट एग्जाम, सो व्हाट्स नेक्स्ट? सीयूटी। सीयूटी एंड व्हाट आर यू एमिंग टू स्टडी? आई एम साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, या ओके देन एलएसआर अवेट्स यू आई थिंक। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। थोड़ा डिफिकल्ट था पेपर। हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए? हां आए थे। वेरी गुड, आसान था। आसान कैसे? लाइक जो पढ़ा था आता था, लेंथी बहुत था, फिर से साइको की तरह, लेकिन आसान था, आता था। और लॉन्ग क्वेश्चंस में किस किस चैप्टर से पूछे गए? सबसे मतलब जो वेटेज थी उसी टाइप से आया। जो सिक्स मार्कर्स किस चैप्टर से थे? सिक्स मार्कर एक तो एक्सटर्नल रिलेशन से था और मैं बाकी भूल गया। व्हाट्स योर नेम? काशवी। हाउ वाज योर एग्जाम? इट वाज रियली इजी। वाज इट इजियर देन यू एक्सपेक्टेड? या। एंड डिड आवर रिवीजन नोट्स हेल्प यू? ऑफ कोर्स।